ठीक है ठीक है। जी भाई साहब। जी सर भैया आईडी हटाइए थोड़ी, आईडी नीचे करिए। हो गया, यहाँ की धरती धन्य हो गई, जिला धन्य हो गया, मध्य प्रदेश और देश धन्य हो गया। इस गांव में एक ऐसे सपूत दीपक सिंह ने जन्म लिया जिन्होंने भारत माता की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मार के दीपक बलिदान हुए और ऐसे सपूतों के रहते हुए भारत माता की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। हमें गर्व है अमर शहीद दीपक सिंह जी पर। मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। दीपक सिंह चले गए लेकिन अपनी स्मृतियों में वो हमेशा हमारी स्मृतियों में अमर रहेंगे। हम उनको वापस नहीं ला सकते लेकिन ये परिवार दीपक सिंह जी का अकेला नहीं है, इनके साथ पूरा देश पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने फैसला किया है अमर शहीद दीपक सिंह जी के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की सम्मान निधि दी जाएगी। उनका विवाह अभी नवंबर में पिछले साल हुआ था। उनकी धर्मपत्नी को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। एक मार्ग का नाम दीपक सिंह जी, अमर शहीद दीपक सिंह रखने की बात हुई है, वो नाम भी रखा जाएगा। उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। ग्रामवासियों से परिजनों से चर्चा करने के बाद और परिजन जो भी चाहेंगे उनके नाम और स्मृति को अमर करने के लिए हम वो व्यवस्था, और अभी 5 बजे वोटों की गिनती होनी है इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से कहा है कि शरीर मेरा यहाँ है लेकिन अंतरात्मा हृदय में है, तो उनकी तरफ से भी मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको तो अपने श्री चरणों में स्थान देंगे ही, दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। फरेंदा गांव की तस्वीर भी बदलेगी सर, आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया है, जितनी जरूरत थी इस गांव को जो 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 आवश्यकता है ग्रामवासियों ने दिया उसको पूरा किया। सर प्रदेश सरकार चीनी बसों के सर चीन से निपटने के लिए क्या तैयारी है? ऐसा है तो मैं मध्य प्रदेश वासियों से अपील करता हूं सर भाई के चीन में बने हुए सभी सामानों का बहिष्कार करें। हमारी सेना भी चीन को जवाब देगी लेकिन हम आर्थिक रूप से भी उसको तोड़ेंगे। और ये सभी प्रदेशवासियों से विनम्र अपील है कि देशभक्ति के भाव से भरकर जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाएं, चीनी सामानों का बहिष्कार करें, लोकल में जो बनता है उसको प्राथमिकता दें। भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा।